नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ए मेरे वतन के लोगों। मेरे वतन के लोगों, हम कर रहे हैं रियलिटी चेक। आखिर 26 जनवरी नज़दीक है और 26 जनवरी कितने लोग जानते हैं 26 जनवरी के बाद। हम एक कॉलेज के सामने हैं, कॉलेज के बाहर हैं और यहाँ जो कॉलेज की लड़कियाँ हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 26 जनवरी के बारे में कितना जानती हैं। आ जाइए आप मेरे साथ। एक्सक्यूज़ मी, है क्या नाम है आपका? हरप्रीत। 26 जनवरी नज़दीक है, आप जानती हैं 26 जनवरी के बारे में, क्या क्यों मनाते हैं? हाँ, ये रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था 26 जनवरी 26 जनवरी को? पता नहीं स्कूल टाइम में पढ़ा था, पता नहीं याद नहीं रहा, कुछ हुआ मतलब देश हमारे देश की बात है। आप स्कूल टाइम में, आप कॉलेज में? हाँ, 26 जनवरी को यार नहीं पता क्या हुआ। आपको पता ही नहीं है 26 जनवरी को क्या हुआ? इट्स अ गणतंत्र दिवस, उस दिन में भी नेहरू जी ने कुछ मतलब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, कुछ कोई फंक्शन वगैरह हुआ था 26 जनवरी को, कोई फंक्शन वगैरह हुआ था 26 जनवरी को। मेरी हिंदी नहीं थी सॉरी। हमारा देश उस दिन सर मेरे को नहीं आता। हाँ, हमारे देश का वो संविधान लागू हुआ था, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन। हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन। हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी आई सपोज। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। किसने लिखा था? I don't know. किसने लिखा था संविधान? वो तो नहीं पता, इसकी नॉलेज नहीं है। इसकी नॉलेज नहीं है? पता करो, आप बताओ किसने लिखा था। पता नहीं किसने लिखा था। बी.आर. अम्बेडकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाकी भी उनके साथ बहुत सारे मतलब मेंबर्स थे जिन्होंने कमेटी फॉर्म की थी और बाद में 26 जनवरी को नेहरू थे। ये मेरे को नहीं पता। अच्छा, राष्ट्र गीत कौन सा? जनगणमन राष्ट्र गीत है। जनगणमन, वाओ, ये तो नेशनल एंथम है ना? नेशनल एंथम है हमारा, राष्ट्रगान है। राष्ट्र गीत पूछ रहे आप? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा जनगण वंदे मातरम राष्ट्र की नेशनल एंथम इज जनगणमन। जनगणमन एंड सॉन्ग इज वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग राष्ट्र गीत। यस, राष्ट्र गीत इज नेशनल सॉन्ग, दैट इज राष्ट्र गान। गान इज नेशनल एंथम। राष्ट्र गीत वंदे मातरम। किसने लिखा था? आप थोड़े हमें ऑप्शन दो ना, राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं, मतलब कौन सा है? गीत हमारा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए, आपके लिए आप दोनों पहली, इनफैक्ट दोनों ही पहली ऐसी कॉलेज गर्ल्स हो जिन्होंने ज़्यादा मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली सवालों के जवाब दिए। दैट मीन्स आप दोनों जागरूक हो और ऐसे ही युवाओं की मुझे तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था? सॉरी, गुरजोत एंड तुषिता। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है और इस तिरंगे की बहुत बड़ी शान है। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो शर्मिंदा कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। कोई कह रहा है कि आज़ाद हुआ था देश। ये लीजिए आप, अगर उसमें नहीं हो पा रहा है तो। और प्लीज़, भारत के बारे में जानकारी और इन लोगों को वो जानकारी जो इनको होनी चाहिए। स्कूल में इन्होंने पढ़ा था भारत के बारे में, संविधान के बारे में, लेकिन कॉलेज में आकर वो सब
खुल गए। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरे शो का ये मतलब है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आप लोग भारत के बारे में जानो, और भारत के बारे में जानोगे तो शायद हम उतने शर्मिंदा नहीं होंगे, वो शर्मिंदगी शायद नहीं होगी अगर कोई बाहर से विदेशी आता है हमारे यहाँ और वो भारत के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो हम लोग बता सके उनको 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लिखा किसने था, राष्ट्रीय गीत क्या है, जो भी हमारे भारत से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हमें दिल से जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। बहरहाल आज की इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं अब्दुल हसन, वक्त इंडिया।